तो भाई लोग फाइनली एक लंबा इंतजार के बाद हनुमान का ट्रेलर निकल चुका है। फिर चलो चलते हैं ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। और तब तक के लिए चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यार ये हिंदी ट्रेलर कुछ अलग चैनल पे आया है, चलो लेट्स गो। आरकेडी स्टूडियो ओके। ओहो महादेव। यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर रघुपति चायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन आप कौन हो भैया? सुपर हीरो। अरे भाई पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत तो मेरी रग रग में दौड़नी चाहिए। ऐसी ताकत कहीं तो होगी। अगर मुझे ये शक्ति नहीं मिली तो पूरे ब्रह्मांड में कहर मचा दूंगा। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सर धड़ से अलग कर दूंगी। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं, किंतु एक महासंकट आने वाला है। कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है। मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। तमिल कन्नाडा हिंदी तेलुगु बापड़े इंडियन सुपर हीरो मूवी। यार क्या देख लिया भाई, मजा आ गया। मतलब हम लोगों के लिए कितना प्राउड की बात है, इंडिया में भी कुछ सुपर हीरो यूनिवर्स बनने जा रहा है। भाई मैं इस ट्रेलर का मतलब कैसे रिव्यू दूं तुम लोगों के पास, क्या लेके बात करूं। मतलब एवरीथिंग इज टॉप नॉच। स्टार्टिंग का जो पानी के अंदर जो शॉट है, देन जैसे BGM शॉट्स को आगे लेके बढ़ता है ना भाई, अलग ही गूज़बम्प्स दिया। स्पेशली वो लास्ट वाला शॉट जिधर जाके पहाड़ों के अंदर से जाके हनुमान ऐसा वो बर्फ चीर के बाहर निकलता है, भाई मजा आ गया, क्या देख लिया भाई। और यार VFX, इसको बोलते VFX, आई डोंट नो कौन क्या कहेगा कौन क्या बोलेगा, बट यार ये जो VFX है यार, मैं तो आउट ऑफ 100,000 दूंगा। बट यार एक चीज मेरे को जो थोड़ा मतलब हंसी आया, जो विलेन है उसको कुछ मतलब सुपर हीरो टाइप सा ही बना दिया है। मतलब उसका जो एंट्री है वो सुपर हीरो अवतार में दिख रहा है, तो मे बी वो कुछ मतलब इंसान से सुपर हीरो बने, ऐसा कुछ सिनेरियो हम लोगों को फिल्म में भी देखने को मिले। नहीं तो यार
हनुमान जी लड़ रहा है कोई सुपर हीरो के साथ, ये थोड़ा मजाक सा बात हो गया। बट यार एक एक शॉट अलग ही गूज़बम्प्स दिया, जहाँ पे वो लड़की मारता है ऐसा, वो 5-6 कोकोनट को ऐसे मारता है, वो भाई वो शॉट मजा आया मेरे को। बाकी यार तेजा सज्जन का क्या ही एक्सप्रेशन है, लास्ट में जिधर वो त्रिशूल या क्या था वो लेके खड़ा है, और बैक में श्री राम प्रभु राम का जो VFX माध्यम से दिखाया है, वो यार मतलब रोंगटे खड़ा कर दिया। और आई डोंट नो ये मूवी 3D में आ रहा है क्या, अगर 3D में आए तो यार और भी 10 गुना मजा बढ़ जाएगा। बाकी हम लोगों को तो बता ही दिया है एक डॉन ऑफ सिनेमेटिक यूनिवर्स बनने वाला है इस मूवी से, बट यार जो भी हो मैं तो एक्साइटेड हूँ, भरपूर एक्साइटेड। मतलब यार जस्ट लुक एट द शॉट्स, बहुत सारा ऐसा शॉट्स है जो CGI एंड VFX में बना है, बट लगता नहीं है भाई जितना रियलिस्टिक उन लोगों ने शूट किया है, वो शॉट पकड़ना मतलब नामुमकिन बराबर है। मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया जब यार वो प्रभु राम को दिखाता है, एंड हनुमान का जब जब भी वो ग्लिम्स आता है, जैसा वो पत्थर उठा के रखा है, वो शॉट यार कितना बोलूं, मतलब ईच एंड एवरी शॉट वाज अमेजिंग, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग। आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। बाकी तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में भाई का चैनल पे अगर नया हो तो याद करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 4000 फैमिली के बहुत ही करीब है, और हम लोग का टारगेट भी है 31 December से 4000 फैमिली का, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर मेरी तरह तुम लोगों को ये ट्रेलर बीस्ट लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और चाहे तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, उधर भाई लोगों के साथ बातचीत होता ही रहता है। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए सालार का रिलीज ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया हो, ये वीडियो जाके देख सकते हो।